हे ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने ना, मुझे यार आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे मीठा खाने की क्रेविंग कितनी होती है। तो मैंने ये पैनकेक का मिक्सचर ऑर्डर किया था, 110 रुपये का है ये। पैनकेक मिक्सेस का नाम है, ठीक है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने जैम्स वगैरह लाए हैं, और इसको मैं न्यूटेला के साथ स्प्रेड करूँगी क्योंकि मुझे न्यूटेला भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको कुछ, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, ठीक है। बाउल में निकाल लो। बाउल में निकालने के बाद इसमें पानी डालना है, आपके बैटर के हिसाब से, मतलब आप जितना मिक्सचर लोगे उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है, ठीक है। तो पानी ऐड करने के बाद, मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम रहना चाहिए बेस इसका, ठीक है। उसके बाद एक पैन जो है वो पैन गरम करने के लिए रख दो, इसको अच्छे से मिक्स करके ले लो। फिर उसमें पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना, ऑयल डाल के पूरा अच्छे से फैला लेना। अगर आपके पास देसी घी हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो रिफाइन ऑयल भी चलेगा। हाँ, वो डालने के बाद अब इसको है ना, आप अच्छे से, मतलब जैसा हम लोग डोसा बनाते हैं ना नॉर्मली, वैसा हमें इसको डालना है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट था ये पैनकेक पे, तो फर्स्ट वाला जो था ना वो ठीक से नहीं बना था। तो यार, सीखते सीखते ही इंसान सीखता है ना, है ना। तो फर्स्ट वाला जो था वो अच्छे से नहीं बना था, बट सेकेंड थर्ड टाइम जो मैंने बनाया था वो बहुत ही अच्छे से बना था। और मैंने फिर इसको बना के निकाला, फिर मैंने न्यूटेला, अगर आप न्यूटेला नहीं डालना चाहते हो आप दूसरी भी कोई चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हो, वाइट चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। बट मेरे पास न्यूटेला था और मुझे न्यूटेला ज़्यादा पसंद है, अपार्ट फ्रॉम, मतलब अलग चॉकलेट के अलावा मुझे न्यूटेला ज़्यादा पसंद है, तो मैंने न्यूटेला का यूज़ किया था। तो मैंने ये बना के निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर न्यूटेला स्प्रेड किया। फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से सजाने के लिए मैंने जेम्स का यूज़ किया है। जेम्स मतलब ऐसे से रखे, बट जेम्स डालने से क्या हो गया था पता है, वो ज़्यादा मीठा हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवर मीठा हो गया था। तो वैसे सिर्फ डेकोरेशन करने के लिए आप डाल सकते हो, ठीक है। तो बना लो, खा लो अपने फैमिली में, मतलब बच्चे हैं अगर उनको भी खिलाओ, क्योंकि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बच्चे खाएंगे भी। अगर आपको इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, हनी डालना है अगर आपको चॉकलेट के बजाय अगर सिर्फ हनी और फ्रूट्स का यूज़ करना है, बनानास या स्ट्रॉबेरीज़, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और क्या बोलूँ, और यार इतनी रात को मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ, अभी बज रहे 12:30, 12:30 को मैं ये वॉइस ओवर करने बैठी हूँ क्योंकि दिन में पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो ऐसी बनाओ खाओ, और अगर ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट्स करके बताना ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।